रैंप पर फिल्म हस्तियों को कैटवॉक करते हुए आपने बखूबी देखा होगा, लेकिन कल्पना की एक क्षण का अनुभूत वो भी कर लें जब छोटे छोटे और मासूम बच्चे रैंप पर वॉक करते हुए कैमरे के सामने तक पहुंचे और कैमरे के सामने मासूमियत भरे शब्द में माँ को पुकारे। हाँ, ये आयोजन रहा नटखट प्ले स्कूल में। नजफगढ़ स्थित नटखट प्ले स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस मौके पे बच्चों ने बेहतरीन कैटवॉक के साथ साथ जो अवेयरनेस की कोशिश की वो देखना काबिले तारीफ था। नटखट में समर कैंप ज्वाइन किया था, तब से ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन ही मन घबराए, नए रिश्तों से बंधना है, नए रीति रिवाजों को सीखना है, दुल्हन बन तैयार बैठी हूँ मैं। बस यही एक प्रार्थना है आप सबसे, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, पैसों से नहीं, प्यास पानी से पूरी करो, किसी के खून से नहीं। दहेज बताया कि यहाँ पे नटखट प्ले स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। तो अब आप कौन से लुक में आई है यहाँ पे फैशन के? डायरी सिस्टम के। इन 5 साल की उम्र में जो उनका व्यंगात्मक रंग ढंग था वो भी अपने आप में उनकी अनोखी कहानी को बयां कर रहा था। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर अपने पहनावे से कमेंट किया उसे देखकर शायद कोई भी ऐसा दर्शक नहीं था जिसके दिल ने आहें न भरी हो और उस कैटवॉक के लिए तालियां न बजी हो। बेसिकली प्रिपरेशन है कि अच्छे स्कूल में जाएं, तो जो बेसिक नीड्स चाहिए वो अभी तक तो पूरी की है इन लोगों ने। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके रिलेटिव का जो उन्होंने बताया तो उनका बहुत अच्छा रहा है, तभी शायद ये यहाँ पर है। कैसे जानकारी है? मेरी सिस्टर इन लॉ का जो बेटा है वो यहीं से मतलब पास आउट होकर द्वारका में पढ़ रहा है अभी, तो ऑल ओवर ऑल राउंड गुड डेवलपमेंट। जस्ट गुड, वेरी गुड इन फैक्ट। के ट्राई हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर। जी हाँ, पृथ्वी मदर अर्थ कभी मैं इस संसार का सबसे सुंदर ग्रह हुआ करती थी। हाँ, सबसे सुंदर, पर आज मेरी हालत तो देखो कितनी फटे हाल। जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? तू मनुष्य, तू। हाँ तू, मैंने क्या नहीं दिया तुझे, वायु जल और अनमोल संसाधन, पर तूने क्या दिया मुझे? ये पॉलिथीन इसने तो मेरी सारी सुंदरता ही बिगाड़ डाली। और बच्चों, मुझे पता है तुम चिप्स खाकर उसका पैकेट इधर उधर फेंकते हो ना। हे मनुष्य, तूने मुझे ये प्रदूषण क्यों दिया जिसके जहरीले धुएं से मेरा दम घुटता ही जा रहा है। देखिए, नटखट स्कूल के बारे में, मेरे बच्चे इसको में पढ़ रही है और मैं अभी ये नर्सरी और मैंने प्ले स्कूल में इसका करवाया था। अभी जो भी फंक्शन नटखट प्ले स्कूल में होते हैं उससे मैंने ये देखा है कि मेरे जो बच्चे का या किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली परफॉर्मेंस के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे बेटे ने अच्छा परफॉर्म किया एंड अभी वो रिजल्ट बताएगा कि जजेस बताएंगे कि कैसा लगा उनको एंड कुल मिला के यही बोलूँगी कि गुड प्रोग्राम, अच्छा था।
नटखट एक ऐसा स्कूल है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे की जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है. दैट्स वाई वी एडमिट अवर माई चिल्ड्रन हेयर. और मेरे बेटे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हुई है. ये एक बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है ताकि हम आगे किसी भी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि ये प्ले स्कूल है, तो इसके बाद जब भी कहीं मेरा बेटा जाएगा तो वो कभी उसके अंदर स्टेज फियर नहीं रहेगा और वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है. जी काफ़ी अच्छा है जो नटखट प्ले स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी इनका फैंसी ड्रेस इवेंट है, इससे काफ़ी बच्चे मोटिवेट होते हैं. एंड आज का जो टाइम है, वी नीड टू फेस द पब्लिक जो यहाँ पे मिलता है, बिकॉज वंस यू आर ऑन अ स्टेज यू कैन सी, यू नो हाउ टू फेस इट. तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, कि जब बच्चा स्टार्टिंग में होता है तो उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिकॉज अभी जो टाइम है वो इन्हीं सब चीज़ों का है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मिसेस ज्योति बदवा और मेरे दो बच्चे यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नटखट प्ले स्कूल में. आज जो यहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जैसे चल रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देता है जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और मेरे दोनों बच्चों में ये चीज़ आई है. मछली भी पानी में जिंदा रहती है, अगर उसको बाहर निकाला जाए वो मर जाएगी. तो पानी बहुत जरूरी है ना हम सबके लिए. सब बच्चों को क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए. यस. सवाल सिर्फ व्यंग्यात्मक या उनके ज्ञानवर्धक बातें तक नहीं थी, उन्होंने रैंप पर खूब मस्ती भी किया, खूब धमाल भी किया और फैंसी ड्रेस कंपटीशन की शाम को एक खूबसूरत शाम में तब्दील कर दिया. बच्चों की बेहतरीन प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया, साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया कि ये बच्चे कितने प्रतिभावान हैं, यानी आने वाले समय में नजफगढ़ का भविष्य क्या हो सकता है. क्या है आपका नाम? अनन्या. आप क्या सुनाओगे अनन्या? टमाटो. टमाटो बने हो? ओह वेरी नाइस टमाटो. और क्या सुनाओगे? टमाटो क्या करता है? प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतियोगियों ने अपनी खूबसूरत और मदमस्त आवाजों से अपने विचार कुछ यूं रखे. क्या बनी है? डॉल. डॉल. कैसा लगा आपको? अच्छा. इस प्रतियोगिता को आयोजित करा रहे आयोजकों ने भी अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया. नटखट स्कूल की जो ये परफॉर्मेंस बच्चों की है, हमें बहुत पसंद आई. नटखट स्कूल की खासियत ये है कि इसने केवल अपने स्कूल के बच्चों को नहीं पार्टिसिपेट करने को मौका दिया, बल्कि नजफगढ़ के आसपास के सभी स्कूलों को मौका दिया. ये इसमें मतलब आज का जो फंक्शन था, बच्चों ने इतना सुंदर इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया. और सबसे बड़ी बात है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के बाद हर एक बात में हर एक मतलब कॉम्पिटिटर ने एक संदेश दिया अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो हमारे को बहुत अच्छा लगा. नटखट नाम है, बच्चों को देखकर क्या लगा? हाँ, एक्चुअली वही हम सोचे थे, नटखट स्कूल में नटखट बच्चों की परफॉर्मेंस सीरियसली काबिल तारीफ है. और इनकी नटखट का देखकर थोड़ी देर के लिए तो हम भी अपने पास में चले गए थे, जैसे सरस्वती वंदना से इन्होंने स्टार्ट किया, तो हमें भी बच्चों का ये सब चीज़ें देख के, नटखट बच्चों की परफॉर्मेंस देख के डेफिनेटली हमें भी अपना पास याद आ गया. वहीं इस कंपटीशन में भाग ले रहे प्रतियोगियों के पेरेंट्स ने भी खुलकर अपने बच्चों का समर्थन किया और उनके पूरे कंपटीशन तक उनका साथ देते रहे. ये सच है कि सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई होती है, बस जरूरत तो होती है उसे निखारने की. जिस तरह से सोना आग में जलकर काला नहीं होता और उसमें और निखार व तपन आ जाती है, वैसे ही बच्चों के लिए तैयार ये प्लेटफॉर्म उनकी भविष्य की खूबसूरत कहानी को बयां कर रहा है. लक्ष्मण शरद के साथ अनुज मिश्रा, हर खबर दिल्ली.